उदयपुर जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर और ग्रामीणों के हमले में घायल हुए पुलिस का उदयपुर की एमबी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शुक्रवार सुबह आईजी अजय पाल लांबा और उदयपुर दौरे पर आए एडीजी जोसेफ ने हॉस्पिटल में भर्ती सभी पुलिस के जवानों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम हिस्ट्री सीटर रनिया उनके घर आने की सूचना मिली थी पुलिस को, जिसके बाद पुलिस जाप्ता लेकर उसके घर पहुंच गई। इस बीच ग्रामीणों ने पुलिस को अपनी बातों में उलझा दिया और उन पर हमला बोल दिया। जानकारी मिलने के बाद उदयपुर एसपी विकास शर्मा सहित अन्य जाप्ता मौके पर पहुंचे, साथ ही घायलों को उदयपुर के एमबी सरकारी अस्पताल रेफर किया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारों की माने तो मांडवा थाना क्षेत्र में एसपी विकास कुमार शर्मा ने कमान संभाल रखी है, साथ ही पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के जवान लगा रखे हैं। पुलिस जल्द ही हमलावरों को धर दबोच लेगी। उदयपुर आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि रनिया नाम का आरोपी मांडवा थाने का वांटेड हिस्ट्री सीटर है। उसका बेटा खाजरू भी वांछित आरोपी है। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई थी। जैसे ही पुलिस इन बदमाशों के घर के पास पहुंची, वहां 30 से 35 लोग घात लगाए बैठे थे और पुलिस जवानों पर हमला कर दिया। पुलिस के जवानों को भागने के लिए उन पर पहले पथराव किया गया, फिर फायरिंग की गई। बाद में बदमाशों ने घेराबंदी कर पुलिस टीम के साथ ही बुरी तरह से मारपीट कर डाली। जानकारी मिलने पर एसपी विकास शर्मा और एडिशनल एसपी मंजीत सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मांडवा इलाके के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि जिन अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया है, उन्हें पकड़ने के लिए एसपी सहित उनकी टीम रात भर मांडवा क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। आईजी ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रणिया नाम के व्यक्ति और उसके पुत्र खाजरू का पूरे कोटड़ा क्षेत्र में खौफ है। इनके खिलाफ लूट, हत्या, डकैती आदि के कई मामले दर्ज हैं। पूरे क्षेत्र में लोग इनके खिलाफ बोलने और आवाज उठाने से डरते हैं। ये अपराधी हथियारों से लैस रहते हैं और अपने साथ पूरी गैंग लेकर चलते हैं। हिस्ट्री सीटर रणिया बुमबरिया, उसका बेटा खाजरू सहित अन्य हमलावर फिलहाल फरार हैं। इन अपराधियों के गुजरात सीमा में फरार होने की जानकारी है। मांडवा थाना क्षेत्र में आज शाम करीब 7 बजे कुकावास क्षेत्र में एक अपराधी के होने की सूचना मिली थी। ये अपराधी लूट, डकैती, इस तरह के प्रकरणों में कई जगह वांछित होने के साथ साथ मांडवा में भी पिछले 1 महीने पहले हुई वारदात में वांछित था। इस सूचना पर थानाधिकारी मैं पुलिस बल के दबिश देने पहुँचे। दबिश के दौरान जो ही थानाधिकारी और जाप्ता इसके घर के नज़दीक पहुंचता है, तो इन अपराधियों के द्वारा घात लगाकर चारों तरफ से इन पर हमला कर दिया जाता है। हमला में पथराव करते हैं। पथराव करने पर जो भगदड़ होती है, उसमें पुलिस पर लाठियों से, चाकू से हमला करते हैं। अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाती है, उसमें पुलिसकर्मी उस अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। उस दौरान कईयों के अपराधियों के द्वारा लाठियों से, पत्थरों से, चाकू से वार किया जाता है। उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए हैं। 7 का ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। 7 आउट ऑफ डेंजर हैं। जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, जिला कलेक्टर उदयपुर और हॉस्पिटल अधीक्षक के नेतृत्व में सारी डॉक्टर्स की टीम बेस्ट इलाज के लिए यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनकी टीम इलाके में कोर्डोन करके उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया। सर, फायरिंग की भी सूचना है क्या? हाँ, अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में पुलिसकर्मी के अभी तक कोई गोली लगने जैसा अलामत नहीं है। पुलिस की एसएलआर भी उसके कोई फायरिंग घटना में के पश्चात, क्योंकि पुलिसकर्मी घायल हो गए, उस दौरान आरोपियों द्वारा एक एसएलआर और एक पिस्टल छीनने की जानकारी प्राइमा फैसाई मिली है। अभी तक एसएलआर और पिस्टल मिसिंग है। नामजद हुए हैं इसमें एक अपराधी जो पूर्व में भी अपराध करता रहा है, मांडवा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर रहा है, रणिया।
रणिया का बेटा है खाजरू, खाजरू वांछित चल रहा था और उसी के लिए पुलिस गई थी। उस दौरान रणिया के परिवार और उनके अन्य साथियों ने ये वारदात करी। कितने लोग हमले में? प्राइमर फैसे 30-35 लोगों के द्वारा ये हमला करना ज्ञात है। चाकू लाठियों और पथराव से ये घायल होना प्रतीत होता है। इसमें जो मनोज तीनों पर गोली लगी है, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे जो या उनके अलावा कहाँ किनके गोली कहाँ पे लगी? अभी तक जो डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया है उससे किसी के गोली लगने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। डिटेल मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही बता पाएंगे। प्रिलिमिनरी जांच में गोली नहीं लगना प्रतीत होता है। इसमें अपराधी और अपराधी का एक्सटेंडेड फैमिली और उनके रिलेटिव्स का शामिल होना जाहिर हो रहा है।